आर्ट एंड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा आठवीं की प्रश्नावली 7.2 का दूसरा सवाल। बताइए सत्य है या असत्य है? पहला सवाल है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। यह असत्य है क्योंकि कोई भी विषम संख्या, मान लो हमने 3 ले ली, 3 का घन क्या होगा? 3 × 3, 3 × 3 = 27, तो ये विषम होगा। 5 ले ली हमने, 5 × 5, 5×5 = 25, ये भी विषम होगा, तो ये हमारा कथन असत्य हो जाता है। दूसरा भाग है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, तो ये हमारा कथन सत्य आ जाएगा क्योंकि कम से कम 10 का अगर हम घन करें तो 10 × 10 × 10, तो कम से कम 3 शून्य आएंगे। ये बड़ा होगा तो 6 शून्य भी आ सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं आएंगे इसमें। अगर 20 का घन ले लें हम, तो 20 × 20 × 20, ये भी 8 × 4 आएगा और 3 शून्य पे समाप्त होगा, तो ये भी हमारा कथन असत्य हो जाएगा। अगला है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, असत्य आ जाएगा क्योंकि 2 का घन कितना होता है? 2 × 2 × 2, 8 होता है, तो ये भी असत्य होगा। अगला है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो 2 अंकों की संख्या वाला घन, ये भी असत्य है क्योंकि 2 अंकों की अगर हम छोटी से छोटी संख्या ले 3, तो 10 का घन कितना होगा? 1000, तो ये कितने अंक हो गए? 4, तो ये 3 अंकों की संख्या नहीं हो सकती, इसलिए यह भी असत्य आ जाएगा। अगला है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो ये कथन भी हमारा गलत हो सकता है क्योंकि 2 अंकों की संख्या हम बड़ी से बड़ी ले तो 99 होता है, 99 का अगर हम घन करें तो 970299, ये 2, 2, 4, 6 अंकों की संख्या आती है, तो ये कहता है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो ये 6 अंकों से ज़्यादा नहीं आ सकते, इसलिए ये कथन भी हमारा असत्य हो जाता है। अगला है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, तो ये सत्य है क्योंकि 1 अंक वाली संख्या जैसे 2 है, 2 का घन 2 × 2 × 2, 8 हो सकता है, तो ये हमारा कथन सत्य आ जाएगा। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे।